अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम एलोवेरा के हवाले से बात करेंगे। तो आज एलोवेरा की जेल, सबसे पहले मैं जेल निकालने का तरीका बताऊँगी आपको। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आपको एलोवेरा के पूरे बेनिफिट्स चाहिए तो आपको कोशिश करनी होगी कि एलोवेरा का जो लीफ हो, जो उसका प्लांट हो, वो दो साल से पुराना, मतलब दो साल पुराना हो या उससे ज़्यादा पुराना हो। न्यू एलोवेरा का इतने बेनिफिट नहीं होते। तो सबसे पहले हमको इसके जो कांटे आपको नज़र आ रहे होंगे, सबसे पहले हमको ये इसके निकालने, उसके बाद ये जो येलो येलो इसका पानी है जो इधर से निकल रहा है, जेल येलो येलो, बिल्कुल भी, मतलब ये जहर होता है, तो इसको हमने कट कर देना है। तो सबसे पहले हम ये कट करेंगे। छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये हमारे पास एलोवेरा जेल आ गया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ब्लेंडर में डालकर। और इसके जो हमारे पास छिलके बचेंगे, तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है। आप इसको भी ऐसे इस तरह से करके अपनी क्लिनजिंग वगैरह कर सकते हैं, हाथों पाँवों की, फेस की, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये देखिए, इसमें अभी बहुत पल्प लगा हुआ है, तो आप इसको ज़ाया मत कीजिएगा, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पल्प हमारे पास आ गया है। आप इसको ग्राइंड करके फ्रीज भी कर सकती हैं, स्टोर भी कर सकती हैं फ्रीज में रखकर, और अपनी रेमेडीज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो थी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।